हेलो स्टूडेंट, आई एम लेक्चर फ्रॉम प्रवीण पाटिल कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। टुडे वी विल सी द WPC प्रैक्टिकल नंबर 7। इन द प्रैक्टिकल नंबर 7 वी परफॉर्म द सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग ऑपरेशन। हाउ वी कैन सोल्डर एंड डी सोल्डर। अब सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग वाई वी आर यूजिंग, बिकॉज वी हैव टू अटैच एनी कैपेसिटर एनी रजिस्टर इन द मदरबोर्ड। वी हैव टू अटैच समथिंग, सो हाउ इट कैन बी परफॉर्म। द फर्स्ट स्टेप, soldering and desoldering is performed to install a component on a PCB or to remove it from the board. PCB एक तरीके का board होता है, जैसे कि if you have a motherboard and in the motherboard we have to add something, we have to add any component, we have to soldering. Soldering मतलब attach करना चीज़ों को, right? Next is your सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयन। सोल्डरिंग के लिए कुछ आयन होते हैं, आपको दिखाई देगा अगर सोल्डरिंग का, तो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू सोल्डरिंग विथ अ सोल्डरिंग आयन। अ सोल्डरिंग आयन इज अ मोस्ट कॉमनली यूज टू सोल्डर कंपोनेंट्स ऑन PCBs। रीफ्लो सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग विथ अ कॉपर ब्रेड, डी सोल्डरिंग विथ अ सोल्डर सकर, डी सोल्डरिंग विथ अ हिट गन। So these are the different types of methods we are used for soldering and desoldering. Okay, so these are the maine bola na reflow soldering, desoldering with a copper braid, desoldering with a solder sucker, desoldering just soldering matlab attach karna, and desoldering means we have to remove the component from the PCB board, otherwise from the motherboard. इज अ सोल्डरिंग मशीन। ये क्या है आपका सोल्डरिंग का क्या है, मशीन है, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक येलो कलर का होता है या किसी भी कलर में होता है, रेड या मोस्ट ऑफ द रेड या येलो कलर, और ये ब्लैक कलर का आयन होता है। अब सोल्डर कैसा, दिस इज अ सोल्डरिंग आयन। ओके, सोल्डर कॉपर पैड, ये क्या है आपका कॉपर पैड। अभी आपको क्या करना है, ये जो LED है इसको ये सर्किट बोर्ड पे सोल्डर कर देना है। तो दिस इज, यहाँ से जो भी आपका अटैच होने वाला है, देयर इज अ आयन, यहाँ से आयन आएगा, वो यहाँ पे अटैच होगा जो भी कंपोनेंट। आपको क्या अटैच करना है, LED अटैच करना है। ओके, सो दिस इज अ कॉपर पैड, दिस इज अ सोल्डर। सोल्डर मतलब कुछ लगेगा उसे, ऐसे सिल्वर कलर का होता है, उसे बोलते हैं सोल्डर। एंड देन द योर सर्किट बोर्ड। अब सर्किट बोर्ड के ऊपर मैंने LED क्या किया है, सोल्डर किया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्ड, दिस इज अ सोल्डरिंग आयन, मतलब सोल्डरिंग का जो मशीन होता है वो इस तरह से। व्हेन यू आर गोइंग इन द सेकेंड सेम, वी हैव अ सब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रिकल एंड ऑल ET एंड डिजिटल टेक्निक, तो आपको उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली सोल्डरिंग कैसे होता है। ओके, सो दिस इज लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोल्डरिंग, क्योंकि इन डेप्थ नहीं जाना है। नेक्स्ट इज द सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयन। सोल्डरिंग कैसे किया जाता है, विथ द सोल्डरिंग आयन। A soldering iron is a most commonly used tool to solder component on PCB devices. Okay, PCB devices पे मतलब आपका कोई तो device होगा, या आपका for example motherboard है, तो motherboard पे आपको कुछ तो capacitor या resistor लगाना है। तो first क्या है, this is a tool कि आपको component को वहाँ पे attach करना है, क्योंकि component, resistor, capacitor बहुत छोटे छोटे रहते हैं। जनरली द आयन इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 420 डिग्री सेल्सियस, विच इज इनफ टू क्विकली मेल्ड अ सोल्डर फ्लक्स। मतलब उसमें से जो भी उसके लिए सोल्डरिंग, मतलब जो भी कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, जो भी है आपका कंपोनेंट आपको लगाना है, तो जनरली वो आयन रहता है ना, तो वो 420 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या है, हॉट किया जाता है। इससे क्या होता है, इमिजिएटली जो आपको अटैच करना है उसके लिए जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है। The component is then positioned on the PCB such that its pins are aligned with their corresponding pads on the board. क्या बोला है, the component is a position on the PCB. पहले मैंने एक component लिया, for example ये आपका कुछ तो है PCB है, या आपका कुछ ऐसे motherboard type है। मुझे suppose यहाँ पर कुछ लगाना है, register ऐसे लगाना है, ठीक है, register या कुछ LED attach करना है, तो मैंने ये component लिया। अब कंपोनेंट लेने के बाद वहाँ मुझे कहाँ पे लगाया, वो पोजीशन मैंने सेट की,
सेट करने के बाद मैंने क्या किया, कौन से बोर्ड पे लगाना है वो किया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या करूँगी, जब भी आप सोल्डरिंग करते हो तो सोल्डरिंग का ऐसे एक आयन आता है, जो मैंने बोला ना आपको इन प्रीवियस वीडियो, सोल्डर करके आता है, वो सोल्डर पकड़ोगे। सोल्डर पकड़ने के बाद आप लोग सोल्डर आयन लोगे, और सोल्डर आयन वो मशीन से आप क्या करोगे, सिर्फ उसे टच करोगे तो सीधा वो अटैच हो जाएगा। सिल्वर कलर का दिखता है अगर आप देखोगे तो, अगर आपको दिखाई देगा तो, ये आपको मैं दिखा दूंगी इन नेक्स्ट वीडियो कैसे सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग किया जाता है, पिक भी दिखाऊंगी। अभी से फिलहाल प्रोसीजर समझ के ले लो। द कंपोनेंट इज इन पोजिशन ऑन द पीसीबी सच दैट इट पेंट्स आर अलाइन विद देयर करस्पॉन्डिंग पैड्स ऑन द बोर्ड। इन द नेक्स्ट स्टेप द सोल्डर वायर इज ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट विद द इंटरफेस बिटवीन द फर्स्ट पिन एंड इट्स पैड। ऑब्वियसली हमें पैड को सोल्डर, वो पिन को सोल्डर करना है उस पैड के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज अ कॉन्टैक्ट विद द इंटरफेस बिटवीन द फर्स्ट पिन एंड इट्स पैड। ब्रीफली टचिंग दिस वायर एट द इंटरफेस विद द हीटेड सोल्डरिंग आयन टिप मेल्स द सोल्डर। ओके, इमीजिएटली वो क्या आयन मेल्ट हो जाता है और वो कनेक्ट हो जाता है। The molten solder flows on the pad and covers the component pin. क्या लिखा है यहाँ पे, The molten solder flows on the pad and covers the component. वो क्या करेगा, कवर कर देगा किसको, component pin को, अटैच हो जाएगा। After soldering, it creates a strong bond between the pin and the pad. Since the solidification of the solder happens fairly and quickly, within a 2 or 3 seconds, one can move to the next pin immediately after soldering one. Okay, so this is the procedure for the soldering. Okay, simple procedure. आपको component लेना है, जो आपका heat है 420 degree से already heated होगा, आपको करना है, फिर component को लेना है, component को लेने के बाद उसे क्या करना है, वो pad के साथ connect करना है, फिर pad और उसको क्या करना है, आप लोग pad वो pin में attach करोगे, वो pin automatically attach होगा। This is a 2 or 3 seconds का, आपको सिर्फ क्या करना है, अटैच करना है component को उसके साथ। ये अगर आप मदरबोर्ड देखोगे तो ऐसे सिल्वर कलर का आपको कुछ कुछ नजर आएगा। सो दिस इज योर सोल्डरिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर, जो बहुत सारे मेथड्स है उसमें से है रीफ्लो सोल्डरिंग। ये इतना इस बात को थोड़ा बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, सिर्फ याद रखो रीफ्लो सोल्डरिंग। रीफ्लो सोल्डरिंग इज जनरली यूज इन अ पीसीबी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ एसएमडी कंपोनेंट्स नीड टू बी सोल्डर एट द सेम टाइम। एसएमडी स्टैंड्स फॉर सरफेस माउंट डिवाइस and refers to electronic component that are much smaller in size than their through-hole counterparts. These components are soldered on the component side of the board and do not require drilling. जब भी electrical component आपको solder करना है तो we cannot use a glue, we have to use a soldering. The heat oven method of the soldering requires a special design oven. The assembly components are first placed on the board with a solder flux paste spread over all of its terminal. The paste is thick enough to keep the component in a place until placing the board in the oven. So most reflow ovens operates in a 4 stages. In first stage, the temperature of the oven is raised slowly at the rate of 2 degrees Celsius per second, about 200 degrees Celsius. In next stage, which lasts for about 1 to 2 minutes, the temperature increment raises significantly lower. During this stage, the flux starts to react with the lead and the pad to form bond. Okay, हम लोग को क्या करना है, कंपोनेंट को सिर्फ कनेक्ट करना है, तो हम लोग को पहले उसे क्या करेंगे, हिट देंगे। हिट देने के बाद 2-3 मिनट के बाद ही वो क्या हो जाता है, उसका लो, उसका जो हीट है वो लो हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है वो अटैच होने के बाद। द टेम्परेचर इज फर्दर रेज इन द नेक्स्ट स्टेज टू अबाउट 220 डिग्री सेल्सियस टू कम्प्लीट द मेल्टिंग एंड बॉन्डिंग प्रोसेस। दिस स्टेज जनरली टेक्स लेस देन अ मिनट टू कम्प्लीट। आप अगर देखोगे नेक्स्ट तो कैसे, मैं आपको इमेज दिखाऊंगी। After which the cooling stage begins. During cooling, the temperature is rapidly decreased to a little above room temperature, which helps in quick solidification of the solder. अगर वो हीट रहेगा ज़्यादा टाइम तो वी कैन नॉट टच, ओके, तो इमीजिएटली उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको एक पैड लेना है,
पैड और सोल्डरिंग मशीन लेनी है। सोल्डरिंग मशीन के लिए आपको एक कंपोनेंट एलईडी हो, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो रिलेटेड टू आपको लेना है, पैड पे वो अटैच रखना है। पैड पे रखने के बाद आपको वो एक सोल्डरिंग मशीन दिया जाएगा। सोल्डरिंग मशीन को फिर वो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ टच करना है तो इमीडिएटली वो हीट के वजह से कनेक्ट हो जाएगा। उन दोनों में पैड और वो पिन में एक बॉन्ड बनेगा और सिंपली उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेथड्स टू सोल्डरिंग। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज योर डी सोल्डरिंग विद द कॉपर ब्रेड। अब डी सोल्डरिंग मतलब क्या, जैसे आपने सोल्डरिंग किया, कंपोनेंट को अटैच किया, उसी तरह वी हैव टू रिमूव द कंपोनेंट। इफ यू डोंट वॉन्ट एनी कंपोनेंट वी हैव टू रिमूव इट। सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ डी सोल्डरिंग। डी सोल्डरिंग विद अ कॉपर ब्रेड। कॉपर ब्रेड इज कॉमनली यूज टू डी सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वेन वी हैव टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम एनी पीसीबी और एनी मदरबोर्ड वी हैव टू यूज अ कॉपर ब्रेड। ओके, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स मेटलिंग द सोल्डर फ्लक्स एंड देन अलाउिंग द कॉपर ब्रेड टू एब्जॉर्ब इट। द ब्रेड इज प्लेस ऑन द सोल्ड सोल्डर एंड जेंटली प्रेस विद द हीटेड सोल्डरिंग आयरन टिप। द टिप मेल्ट्स द सोल्डर विच इज क्विक एब्जॉर्ब बाय द ब्रेड। दिस इज एन एफिशियंट बट स्लो मेथड ऑफ द डी सोल्डरिंग कंपोनेंट। मतलब सोल्डरिंग से डी सोल्डरिंग थोड़ा स्लो मेथड है। इट सोल्डर जॉइंट मस्ट बी वर्क ऑन इंडिविजुअल लेवल पे आपको ये करना पड़ता है। इन अ कॉपर ब्रेड आपको क्या करना पड़ता है, वो सोल्डर को प्लेस करना पड़ता है और जेंटली हीट को क्या करना है, प्रेस करना है आपको वो सोल्डरिंग मशीन को, तो इमीजिएटली क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। डी सोल्डरिंग विद अ सोल्डर सकर। सोल्डर सकर इज अ बेसिकली अ स्मॉल ट्यूब कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। ओके, ये क्या है, एक वैक्यूम पंप होता है, उसे एक स्मॉल ट्यूब कनेक्टेड रहती है। इट्स अ पर्पस इज टू सक द मॉल्टन फ्लक्स ऑफ पैड्स। अ हीटेड सोल्डरिंग आयरन टिप इज फर्स्ट प्लेस ऑन द सोल्ड सॉइल सोल्डर अंटिल इट मेल्ट्स। द सोल्डर सकर इज देन प्लेस डायरेक्टली ऑन द मॉल्टन फ्लक्स एंड अ बटन ऑन इट साइड इज पुश दैट इट क्विकली सक्स द फ्लक्स। ओके, ठीक है, वैक्यूम पंप में तो वो खींच के लेगा वो चीज़ को डी सोल्डर करते टाइम। ठीक है, पहले वो प्लेस करेगा, प्लेस करने के बाद इट विल बी मेल्ट एंड इमीडिएटली वो ट्यूब क्या करेगी, उसे सक करके फ्लक्स करके लेगी, क्या करेगी, सोल्डर। दैट्स व्हाई नेम इज अ सोल्डर सकर। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड बट द मेन इज यू हैव टू एड अ कंपोनेंट वी हैव टू यूज अ सोल्डरिंग। इफ यू हैव टू रिमूव द कंपोनेंट वी हैव टू यूज अ डी सोल्डरिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डी सोल्डरिंग। ये देखो ऐसे स्मॉल सा क्या है, ये सोल्डरिंग मशीन होता है तो आपको ये हिट करना पड़ता है। हिट करने के बाद इमीजिएटली ये ऐसे पंप प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करने के बाद ये क्या होता है, निकल जाता है। हम लोग कुछ प्रेस करते हैं बटन को तो उसमें से कुछ कुछ निकलता है, लाइक यू वी कैन नॉट सी, इफ यू सी वी कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज कॉल्ड, ये सोल्डरिंग का मशीन है। जब ये अटैच करना है तभी भी ये यूज करना है और जब निकालना है तो आपको ये प्रेस करना है, इसमें से कुछ लिक्विड निकलेगा एंड देन इट विल बी रिमूव ऑटोमेटिकली। ओके, ठीक है, फाइन। So, desoldering with a heat gun. Okay, desoldering with a heat gun. There is a lot of things and methods are available. Desoldering with a heat gun is generally used to desolder SMD components. Though it can also be employed for throw hole component. In this method, the board is placed on a perfectly flat place and a heat gun is pointed directly at the component to be desoldered for a few seconds. This quickly melts the solder and on the pores and losing the component. आपको डिटेल इन डेप्थ नहीं, दिस इज लॉट ऑफ मेथड्स वी आर डोंट हैव टू, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड सोल्डरिंग इज एडिंग द कंपोनेंट एंड डी सोल्डरिंग इज रिमूविंग द कंपोनेंट। सो दिस इज द ओके फाइन। सो दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 7। वी विल एंड अप विद द प्रैक्टिकल 7 एंड देन वी विल सी द प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड 9। थैंक यू।